हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं। बहुत रिक्वेस्ट है मैम बायोटेक्नोलॉजी का, वो इकोलाई वाला जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके जब डायग्राम्स आते हैं तो याद नहीं होता। मैम कुछ भी मैं करूँ एग्जाम के टाइम पे मेरे को बोलना जरूरी होता है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दे दो। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत है लेकिन आपको जो सबसे ईजिली अवेलेबल है मैं वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाती हूँ। ये 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए बच्चा, आपको दूसरी बार किताब देखने का जरूरत तो नहीं होगा, एटलीस्ट डायग्राम कंफ्यूजन क्लियरेंस के लिए। लेट्स सी डायग्राम क्या है और कैसे आपको वो टॉपिक याद करना है। तो आज जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है वो सबसे पहले मैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए बना रही हूँ, राइट? सो बायोटेक्नोलॉजी शॉर्ट ट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम ऑफ PBR322, दैट इज अ क्लोनिंग वेक्टर। सो बच्चा ये है आपका डायग्राम, PBR322 एक क्लोनिंग वेक्टर है। बेटा ये वेक्टर है जो 10 से 12 KB का DNA ले सकता है और आपको ट्रांसफर कर सकता है उस डिजायर्ड DNA को आपके होस्ट में। E-coli क्लोनिंग वेक्टर में आपका कंफ्यूजन रहता है, मैम ये जो एंजाइम साइट है, एंजाइम के साइट है उसका मुझे सिक्वेंसिंग याद नहीं रहता और इनका जो सेंसिटिव यू नो एम्प्लीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन जो सेंसिटिव रीजन है उसमें बाम कटिंग साइट है, सैल कटिंग साइट है, PVU PST किसमें है, ओरी कहाँ से स्टार्ट होता है, रोप से कहाँ स्टार्ट होता है। तो उसको कंफ्यूजन के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ, आप इसको एक ऑर्डर से याद कर सकते हैं। एट रूम यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां से क्या स्टार्ट करेंगे आप अपना सीक्वेंसिंग यहां से करेंगे, दैट इज AMP स्टैंडिंग फॉर एम्पीसाइक्लिन। एट रूम से याद कर दीजिए, घर पे है एट रूम। कभी भूलेंगे क्या? अब एक डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन कैसे आता है NCERT में, आपको ये पूरा डायग्राम दे देंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे या ये लिखेंगे तो आपको इसको इसको मैच करने को बोलेंगे, समथिंग दे प्ले विद द नेम। सो अंदर के नंबरिंग को कैसे याद रखना है, एट रूम सीक्वेंस लिखो, एट रूम क्लॉकवाइज मूव करो, एम्पीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन दैट इज रीजन ऑफ रिप्लीकेशन, राइट? ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन रोप, राइट? ये आप ऐसे सीक्वेंसिंग में याद करते जाओ, रिप्लिकेशन यहां पे स्टार्ट होगा, ओके? एट रूम। दूसरा मैम ये नंबरिंग कैसे याद करनी है, तो जब आप एक सर्कल बना के एट रूम लिख देते हैं, अब आपको दूसरा क्या याद रखना है, इन सब का एक सीक्वेंसिंग में नाम। ये भी आप क्लॉकवाइज जाएंगे बच्चा, क्या करेंगे आप ये भी क्लॉकवाइज। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है, फर्स्ट PST फर्स्ट पेपर, PVU से क्या मैंने लिखा पेपर, EcoRI ये सारे क्या है बच्चा, एंजाइम कटिंग साइट है। आपको पूछा जाएगा एंजाइम कटिंग साइट तो आपको कैसे याद रखना है, एक सीक्वेंसिंग में राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। PST फर्स्ट पेपर, देखो बेटा PVU 2 टाइम है, PV1 एंड PV2, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है? कैसे याद करना है देखो, फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है, फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है, फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है। दूसरा बहुत सॉलिड पेपर, बहुत सॉलिड पेपर, तो फर्स्ट पेपर PST फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का है, ये 1 है PVU 1 और ये क्या है PVU 2। तो पहले क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो यहां पे फर्स्ट नंबरिंग आएगी ना बच्चा, फिर अगर आप लीड में आ रहे हो तो यहां पे सेकंड हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है, फर्स्ट पेपर इकोलॉजी CLA का है, फिर कॉमा स्टॉप, बहुत सॉलिड पेपर, समझा? कैसे याद रखना है, अंदर को कैसे याद रखना है, एट एट रूम, एट रूम क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
बाहर को कैसे याद रखना है? पीएसटी मतलब फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। पेपर, इको, लॉजी का है बहुत सॉलिड पेपर, याद रहेगा। अब पेपर नंबर वन एंड पेपर नंबर टू सीरीज, सीरीज के वाइज चलिए ना, याद रहेगा। अब अगर मैं इसमें आपका एएमपी निकाल देती हूं और बोलूं कि ये दोनों किसमें थे, एंजाइम कटिंग साइट कौन सा सेंसिटिव सिलेक्शन प्रेशर देंगे, तो आप, आपको पता है एट रूम लिखना है तो एएमपी लिखोगे, बैम सीक्वेंस था तो यहां पे एट टी आएगा। अंडरस्टूड? हाउ वाज द ट्रिक? स्मार्ट एनफ? ओके, दिस वाज द ट्रिक फॉर बायोटेक्नोलॉजी पार्ट वन। बेटा अब आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो रहती है बायोटेक्नोलॉजी में, मैम मुझे ये याद नहीं रहता ब्लॉटिंग में कौन सा मेथड फॉलो करने के बाद डीएनए डिटेक्शन मिलता है, आरएनए मिलता है, प्रोटीन। मैम मैं कंफ्यूज रहता हूँ, साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है? तो बेटा उसको याद करने के लिए आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक रहती है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है ध्यान दीजिए, आप लिखिए स्नो ड्रॉ। क्या लिखना है आपको? स्नो ड्रॉ। स्नो ओले, ड्रॉप गिर रहे हैं। अब ओ से ओ को क्या कर दीजिए? कैंसिल। कंफ्यूजन बढ़ेगा इसलिए मैं कैंसिल कर रही हूं बच्चा। स्नो ड्रॉप, ओ से ओ कैंसिल। अब देखिए एस फॉर साउदर्न ब्लॉटिंग, उससे क्या मिल जाएगा आपको? डीएनए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, उससे क्या मिलेगा? आरएनए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, उससे क्या मिलेगा? प्रोटीन। स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप, साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, स्नो ड्रॉप, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। कोई इश्यू? ओके, दूसरा आपको ये प्रॉब्लम होती है, मैम मुझे ये समझ में नहीं आता एलिजा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या डिफरेंस था। आपको एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है वेस्टर्न ब्लॉट को लेके, मैं पहले बता दूं। एलिजा एक टेस्ट है जो एचआईवी के पेशेंट के लिए प्राइमरी टेस्ट होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से होता है बेटा। एंटीजन एंटीबॉडी एक तरह की प्रोटीन है आपकी बॉडी में, इम्यूनोग्लोबुलिंस प्रोटीन्स कहते हैं। तो अगर आप एचआईवी पॉजिटिव होते हैं तो आपके पास एचआईवी के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। अगर वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स आपको एंटीजन आया था एचआईवी का, तो अगर मेरे पास प्रोटीन है और मुझे उसको फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी? कंफर्मेशन के लिए कौन सी ब्लॉटिंग करूंगी? वेस्टर्न ब्लॉटिंग करूंगी। प्रेजेंट है उसका डिटेक्शन किसने किया? एलिजा ने। लेकिन कंफर्मेशन किसने किया ब्लॉटिंग का? वेस्टर्न। बेटा अब जो आपका टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यस, द जीन एबी, जीन एबी वन, एबी टू, एसी वन, मैम कुछ समझ में नहीं आता, बॉलवॉर्म कब आपका कौन, बोरर में कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ समझता नहीं है। तो बेटा उसके लिए हम एक मेथड लगाएंगे, पहले ब्रांचिंग एंड देन कोई मेथड। ध्यान बस इतना रखना है, क्राई जीन एक जीन है जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रोटीन कोई भी इंसेक्ट खा लेता है तो उस इंसेक्ट के गट में जाते ही एक टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्राई प्रोटीन एक टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये टॉक्सिन उसके गट को इन्फेक्शियस कर देती है और वो इंसेक्ट मर जाता है। ध्यान रखना कि जब ये इंसेक्ट खाता है तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के इंसेक्ट, स्पेसिस स्पेसिफिक है, सबको हार्म नहीं करते हैं। ये जीएमओ प्लांट्स में होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में। लेट्स टॉक अ मेथड विच विल गिव अ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी एंड सिंपल लर्निंग। क्राई ए बी टू, क्राई ए सी वन, नाम बड़ा है कॉटन बॉलवॉर्म, कॉर्न बोरर नाम में छोटा है और यहां पे सब सिंपल डिजिट हैं। नहीं समझ रहे? देखिए अल्फाबेट है आपके पास ए बी सी डी ई,
और नंबरिंग है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा ए इन सबसे प्राइमरी है, छोटा है, और 1 और 2 इन सबसे छोटा है। मतलब ये 1 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो लार्ज डिजिट है, और ए से जितने भी नंबर हैं वो लार्ज हैवी हैं। कहने का मतलब ये इनसे लेस होगा, हम इसको प्राइमरी नंबरिंग देंगे, और 1 इन सबसे छोटा है, हम इसको लेस नंबरिंग देंगे। सो कॉर्न बोरर में देखिए बेटा, ए बी नंबर अल्फाबेटिकली ये लो है और 1 नंबरिंग है, तो ये दोनों जो लो है, अल्फाबेट में भी लो है और नंबरिंग में भी जो लो है, उनको कॉर्न बोरर के लिए स्पेसिफाई किया गया। मतलब ए बी नंबर कम, लास्ट के हैवी, और प्राइमरी मतलब हो गए, और 1, 2 में से भी सबसे कम नंबरिंग मिली है, तो ए बी अल्फाबेटिकली लो है और नंबरिंग वाइज भी लो है, और नाम में कॉर्न बोरर छोटा है कॉटन बॉलवर्म से। सो हमें याद है ए बी दोनों में लेस लेस है, दैट मीन इट कम्स टू द कॉर्न बोरर। दो ये भी नाम में छोटा है, कॉटन बॉलवर्म नाम में बड़ा है। तो देखिए ए बी अल्फाबेटिकली छोटा लेकिन नंबरिंग वाइज तो बड़ा है, एक तो डिजिट लार्ज है, दूसरा यहां पे ए सी लार्ज है ना बच्चा, ए बी तो नहीं है, सी लार्ज है ना ए से, तो यहां पे हैवी डिजिट है, ए सी भले ही नंबर कम है तो क्या हुआ, ए सी तो लार्ज है ना, यहां पे तो नंबर भी छोटा है लेस है और डिजिट में भी छोटा है, अल्फाबेटिकली भी छोटा है। यहां तो एक तो सी बड़ा था ना और दूसरे यहां पे डिजिट बड़ा था, तो जो भी लार्ज है या अल्फाबेटिकली या तो नंबर वाइज, उनको हम कॉटन बॉलवॉर्म देंगे क्योंकि ये नाम में बड़ा है कॉटन बॉलवॉर्म, तो कोई तो हैवी आना चाहिए ना बच्चा, तो ए बी 1, 2 तो 2 हैवी हो गया, ए सी यहाँ पे हैवी हो गया। सो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में क्राई जिन में कंफ्यूजन अब से दूर, क्राई ए बी 1, ए बी भी छोटा है अल्फाबेटिकली, 1 नंबर भी नंबर में छोटा है, कॉर्न बोरर नाम में छोटा, क्राई ए बी बट डिजिट बड़ी है, कॉटन बॉलवॉर्म नाम में बड़ा है, क्राई ए सी, ए सी डिजिट में 1 छोटा है लेकिन अल्फाबेटिकली तो ए सी बड़ा हुआ ना, तो लार्ज डिजिट या लार्ज अल्फाबेट, लार्ज कॉटन बॉलवॉर्म नेम हैवी, कॉर्न बोरर लेस वर्ड्स, एंड हेयर द अल्फाबेट इज ऑल्सो लेस एंड नंबरिंग इज ऑल्सो लेस। होप सो ऑल दिस ट्रिक्स आर वर्किंग फॉर